Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। एसएससी, बैंक और रेलवे में जॉब पाना गर्व की बात है, पर उसका पहला स्टेप है एग्जाम को क्लियर करना। और अगर आपको कोई गाइड करे, शॉर्टकट और ट्रिक्स बताए और मोटिवेट करे तो आपकी सफलता निश्चित है। हमारे कोर्सेज से न सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट होगा बल्कि स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होगी। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट रहें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाकर अपनी मंजिल हासिल करें। हेलो, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में, विच इज पार्ट ऑफ एन अकेडमी ग्रुप। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना डेली इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जिसके अंदर अपन 10 हिंदू का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कौन कौन से न्यूज है जो कि अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और अपने आने वाले एग्जाम के जो अपनी नॉलेज है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैंने आपको बोला भी था कि सैटरडे को अपन एक मैं आपके लिए सेशन लेके आने वाला हूँ। काफी बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी सियाचिन को लेकर। तो ऑपरेशन मेघदूत जो भारत ने किया था, पाकिस्तान को हराया था सियाचिन पे, उसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे सैटरडे को सुबह 10 बजे। तो उसमें लाइव जरूर आइएगा। और इसके अलावा दोस्तों, हमेशा की तरह 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसके बाद चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, थीम आपको बतानी थी 2019 ताज महोत्सव की। तो थीम क्या है इसकी? परंपरा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ अ रिसेंटली लॉन्च्ड ऐप बाय इंफोसिस फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए क्या थी? InfyTQ ये आपकी एप्लीकेशन थी जो कि बनाई गई है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल पे $-करोड़ एज इंटरिम डिविडेंड टू द गवर्नमेंट। कितने रुपए देने वाले हैं? ठीक है, 28,000 करोड़। पहले 40 दिए थे, अभी 28,000 करोड़ और दे दिए हैं। नेक्स्ट है, ज्वाइंट कल्चर मिनिस्टर महेश शर्मा इनॉग्रेटेड इंडियाज़ वेरी फर्स्ट फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर इन विच सिटी। 3D डिजिटल थिएटर की बात करें दोस्तों, तो ये कोलकाता के अंदर है और इसके ऊपर आज द हिंदू के अंदर डिस्कशन भी किया गया है। तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। Which ministry has recently published a guideline to establish charging station for EV at every 25 km to outline the way to build fueling point? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो चालू हो गए हैं, लेकिन उनके अभी तक चार्जिंग स्टेशन नहीं बने हैं। तो गाइडलाइन जारी करी गई है कि 25 किलोमीटर के अंदर में, हर 25 किलोमीटर में चार्जिंग स्टेशन लगाया जाए। किसके द्वारा बोला गया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा इसको जारी किया गया है। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब यहाँ पे अगस्त्या कूडम शिखर कौन है? धान्या सनल। तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, मैरी कॉम वाज नेम्ड एज अ वुमेन ट्रेनिंग एम्बेसडर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड? पूमा। ओके, पूमा की ये ब्रांड एम्बेसडर है जो कि ट्रेनिंग ब्रांड एम्बेसडर है जो कि रिसेंटली बनाई गई है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, हु कंडक्टेड मेगा एक्सरसाइज वायु शक्ति इन पोखरण? तो इंडियन एयरफोर्स है जिसने क्या किया है, इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया है। विच बैंक विल पे ₹28,000 करोड़? तो आरबीआई ने दिया है, इसके बारे में अपन को पता ही है, अपन ने बात कर ही ली है। हु इनॉग्रेटेड ₹766 करोड़ कॉस्ट ऑफ नेट मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट? तो नवीन पटनायक, उड़ीसा के अंदर जो है इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। RMIP कह रहे हैं इसको, नेट मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। ओके, अब देखते हैं आज का अपना कोट ऑफ द डे क्या है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, अपन इंडियन आर्मी के जो अपने कोट है उनको डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और आज है स्टॉप थिंकिंग ऑफ व्हाट कुड गो रॉन्ग एंड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ व्हाट कुड गो राइट। तो दोस्तों, हमेशा ऐसा होता है प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमेशा ये सोचते हैं जब एग्जाम नहीं निकलता है या फिर कोई अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो रही होती कि अगर मैं कुछ जो काम कर रहा हूं उससे कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों ये सोचने के बजाय ये सोचिए कि स्टार्ट थिंकिंग ऑफ व्हाट कुड गो राइट। तो अगर जो आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर वो सही हो गया तो आपको कहां पे लेके जा सकता है। तो नेगेटिव सोचना छोड़िए, नेगेटिव तो सबके जीवन में होता ही रहता है, नेगेटिव तो पूरी दुनिया है दोस्तों, उसका कोई मैटर भी नहीं है। और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको रिजल्ट भी काफी पॉजिटिव मिलेंगे। फेलियर तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला था, अपोजिट नहीं होता सक्सेस के, ये एक पार्ट होता है सक्सेस का, तो वो तो हमेशा देखना ही पड़ेगा। और सक्सेस का मजा भी जब ही आता है जब आप फेल होते हो, जब आपको उस मोमेंट से जब आपको निकल रहे होते हो, वो जीवन का सबसे बड़ा मोमेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप इसको फॉलो करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे और जीवन में चीजें भी पॉजिटिव ही होगी। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आज के द हिंदू के फ्रंट पेज की। सबसे पहले तो है अनिल अंबानी के ऊपर एक बहुत ही काले बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आरकॉम जो है वो गिल्टी प्रूव हुई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, तो इनको पैसे भरने को कहा था, कोई 550-600 करोड़ रुपए इन्होंने नहीं दिए, गोली पे गोली दिए जा रहे थे, और फाइनली जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इनको टाइम दे दिया है देने को लेकर। ठीक है, और अगर नहीं देते हैं तो अनिल अंबानी को जेल तक भी जाना पड़ सकता है। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ये मुद्दे के बारे में आपको पता होना चाहिए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है। यहाँ पे कांग्रेस को 10 सीटें मिली है तमिलनाडु पुडुचेरी के अंदर, डीएमके के साथ में कोलैबोरेशन किया है। इसके अलावा एक पाकिस्तानी कैदी को जयपुर जेल में मार दिया गया, और इसके अलावा अयोध्या की हेयरिंग जो है वो अभी फैब के अंदर 26 फैब को डेट दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो सत्यपाल मलिक जी का, गवर्नर जो है जम्मू एंड कश्मीर का, उनका स्टेटमेंट आया कि भाई कश्मीरियों को सब जगह सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा इंडिया पिक्चर्स फॉर ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म, तो अभी सऊदी के जो प्रिंस है वो आपको मालूम आए हुए, और भारत ने बोला है कि पूरी दुनिया को एक होना पड़ेगा टेररिज्म को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फ्रंट पेज की बात करूँ, और यहाँ पे जो है वो एक इंडेलिबल इंक को लेकर है। एक्चुअली अपने भारत में तो क्या होता है, जो इंक लगाते हैं ना हाथ के ऊपर अपने जब वोट देते हैं, तो वो दिखती है अपने को ब्लैक कलर की, जो कि एक बहुत बड़ा मार्क होता है, मतलब लोग उससे सेल्फी खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, दिखाते हैं वोट दिया है। ओके, लेकिन विदेशी कंट्री के अंदर उल्टा होता है, वहां पे उनको पसंद नहीं होता ये मार्क, तो वहां पे एक इनविजिबल इंक है जो कि लगाई जाती है, जो कि लाइट के अंदर ही नजर आती है कि हाँ भाई इसने वोट दिया है। ठीक है, तो बोला गया यहाँ पे आर्टिकल आया कि भाई इंडिया में इस तरीके का प्रचलन नहीं है, तो इंडिया में इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते अपन। चलिए आगे देखते हैं, सबसे पहले आरकॉम की बात। सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को जो है रिलायंस कम्युनिकेशन को और उसके चेयरमैन अनिल अंबानी को और साथ में 2 अदर फर्म ग्रुप्स और हैं उनको गिल्टी माना है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लेकर। ठीक है, तो डिफेंडेंट ने अडॉप्ट किया है और कि भाई जो एटीट्यूड उन्होंने दिखाया है पैसे देने को लेकर वो बिल्कुल भी सही नहीं दिखाया है। 550 करोड़ रुपए जो कि स्वीडिश टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेजर कंपनी एरिक्सन को देने थे, जो कि इन्होंने काफी टाइम से नहीं दिए, तो उस चीज को लेकर 550 करोड़ रुपए देने को लेकर ये बातचीत यहाँ पे कही है। साथ में 1 करोड़ रुपए का फाइन भी लगाया है, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के को उनको 1 करोड़ रुपए भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी है उनको ये पे करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मुद्दा जान लेते हैं कि ये जो फाइन लगाया गया ये लगाया क्यों गया है। एक्चुअली 2014 के अंदर क्या हुआ था, एरिक्सन ने ना एक डील साइन करी थी रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ में कि जो भी उसके नेशन वाइड जो टेलीकॉम नेटवर्क होगा वो उसको ऑपरेट करेगा, भाई स्वीडिश कंपनी एरिक्सन। तो आरकॉम ने उसके बाद में कर्जा जो है, आरकॉम फेल होती चली गई, आरकॉम के कभी भी इतने अच्छे रिजल्ट नहीं रहे, आपको मालूम है। करते करते 47,000 करोड़ रुपीज का जो कर्जा है वो उसके ऊपर आ गया, एरिक्सन को पैसे भी नहीं दे पाया। तो एरिक्सन कहां पे चला गया, एनसीएलटी में चला गया, इंसॉल्वेंसी पिटीशन लगाई उसने, कहां पे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर। ओके, पिटीशन जो लगाई उससे रिकवर हो गए, कोई रिकवर करने के लिए बोला गया 1100 करोड़ रुपए। ठीक है, पेंडिंग ड्यूज कितने थे, 1100 करोड़ रुपए पेंडिंग ड्यूज थे। और फिर फाइनली आरकॉम ने क्या किया, सेटल किया डिस्प्यूट को, और 550 करोड़ रुपए में डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कहा गया, जो कि उसको सितंबर 30, 2018 तक देना था, लेकिन उस टाइम पे फिर उसने गोली दे दी, तो फिर एरिक्सन को कहां जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना पड़ा। और आरकॉम ने डेडलाइन भी दी थी कि वो दिसंबर 2018 तक पैसे दे देगा, लेकिन फिर वो फेल हो गया, फिर उसने गोली दे दी। तो फाइनली एरिक्सन जो है वो यहाँ पे अप्रोच कर गई, और अभी उनकी यहाँ पे प्रोसीडिंग हुई है सेकेंड टाइम, और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि भाई 12% पर एनम के इंटरेस्ट के साथ में आपको ये पैसे चुकाने पड़ेंगे, अदरवाइज अनिल अंबानी को जेल जाया जा सकता है। 3 से 4 महीने का कुछ टाइम है जो कि इसके अंदर दिया गया है, टाइम भी कोई ज्यादा नहीं दिया गया है इनको। अगर बात करें टाइम की, तो टाइम भी कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ महीने का टाइम है जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे किस चीज को लेकर ये हुआ है मुद्दा, और क्यों उनको पैसे देने हैं, और अभी हुआ क्या है। ठीक है, ये पूरा, ठीक है, समझ गए होंगे आप बात। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट की अगर देखें और पेज नंबर 2 की। अभी हालांकि पिछले कुछ टाइम से एक बार जो जियो है, जियो की खरीदने की भी बात चल रही थी कि वही आरकॉम को लेकर, लेकिन जियो ने फिर फाइनली जो है, अब जब इनके कर्जे देखे, इनकी परफॉर्मेंस देखी और इनके जो कस्टमर देखे, तो फाइनली जो है फिर उसको देख उन्होंने भी बैकआउट कर लिया, तो जियो ने भी इसके अंदर हाथ नहीं डाला। आगे देखते हैं पेज नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे बात करें तो अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, एक तो त्रिपुरा वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये देखिए वेस्ट बंगाल के हालात अभी भी जो है, वेस्ट बंगाल के अंदर दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, ड्राइवरलेस कार के ऊपर जा रही है। वेस्ट बंगाल में अभी भी देखो लोग जो है वो गाड़ी खींच रहे हैं हाथों से, मतलब ये बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही देश में ऐसे कम जगह बची है जहां पे, हालांकि वेस्ट बंगाल मतलब फर्स्ट कैपिटल अगर मॉडर्न इंडिया की मानी जाती है, कलकत्ता जो है बहुत पुराना अपना बहुत पुरानी जगह रही है और जबरदस्त जगह रही है। बड़े बड़े मूवमेंट कोलकाता से हुए हैं और पहली मेट्रो था कोलकाता में, चलिए आपको मालूम है काफी डेवलप रहा है अपने टाइम पे, लेकिन आज भी देखें तो यहाँ पे देखिए हाथ से लोग अपना वजन उठा रहे हैं एक दूसरे का, ये बहुत ही ज्यादा गलत चीज है मतलब इंसान के लिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा ने वेडनेसडे को रिसीव किया फर्स्ट मेजर इन्वेस्टमेंट बीजेपी लेड गवर्नमेंट के द्वारा पावर आने के बाद में। 85 करोड़ रुपए का फूड पार्क जो है यहाँ पे स्टैब्लिश करना जा रहा है, जहां पे 30,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। देश का 18वां ये फूड पार्क है अपने टाइप का जो कंट्री के अंदर सेटअप किया जा रहा है। तो अगरतला के पास में एक तुला कोना नाम की जगह है, वहां पे इसको सेटअप किया जा रहा है। जो अपने यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री साध्वी निरंजन ज्योति, उन्होंने क्या किया, इसको इनॉग्रेट किया, फैसिलिटीज के बारे में बताया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि कौन से नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर भी रिसेंटली फूड पार्क स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है त्रिपुरा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, सीएम कौन है अभी यहाँ पे त्रिपुरा के, विप्लव जी कौन है, त्रिपुरा के सीएम है, ये भी आपको मालूम है। ठीक है, और कप्तान सिंह सोलंकी है जो कि अभी यहाँ पे गवर्नर है, अगरतला यहाँ की कैपिटल है, वो सब आपको मालूम ही है। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। और एस्टेब्लिशमेंट तो आपको मालूम ही है, मैंने बोला था कि कई सारे राज्यों का एक साथ हुआ था नॉर्थ ईस्ट का 21 जनवरी 1972। ओके, 21 जनवरी 1972 की एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और यहाँ पे सीटें की बात करें तो 60 तो सीटें हैं विधानसभा की, और लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीट है। ठीक है दोस्तों, और साथ में अगर दोस्तों अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हो ना, तो मैं अभी आपके लिए पॉलिटी पढ़ा रहा हूं दिन में 1:30 बजे। तो जिन बच्चों को पॉलिटी नहीं आती है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट या राज्यों के बारे में किसी के बारे में जानकारी नहीं है, तो दोस्तों 1:30 बजे आ जाया करो लाइव क्लास के अंदर, मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो लोकसभा के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। कभी भी जीवन में देश का कोई भी पेपर दोगे उसमें आपके पॉलिटिकल सवाल गलत नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। आप उस वीडियो को देखा करो, दिन में 1:30 बजे क्लास होती है। ठीक है, चलिए एक बच्चे ने बोला यहाँ पे कि सर पॉलिटी के लिए क्या करें, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं एरो इंडिया की। एरो इंडिया कहाँ पे हो रहा है, बैंगलोर के अंदर हो रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं निर्मला सीतारामन जी है, और अपने यहाँ पे तेजस के बारे में बातचीत करेंगे, ये तो तेजस के बारे में बातचीत करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज है जो कि बिहार से है। ठीक है, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी फनी न्यूज है कि बिहार के अंदर जो है वो सनी लियोन ने जूनियर इंजीनियरिंग के पेपर के अंदर टॉप किया है। ठीक है, शायद बॉलीवुड में ज्यादा काम चल नहीं रहा, तो जूनियर इंजीनियर जो है उसका फॉर्म भरा है, और बिहार के अंदर जो PHED जो डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसके अंदर जो वेबसाइट पे रिजल्ट आया अभी ऑफिशियली, उसके अंदर फर्स्ट रैंकर 98.5 पॉइंट के साथ में जो है वो कौन है, सनी लियोन को यहाँ पे बनाया गया है। तो मतलब इनफैक्ट ये बात जो है वो रियल सनी लियोन तक भी पहुंच गई, और उन्होंने ट्वीट भी किया कि भाई शी वाज ग्लैड दैट द अदर हैड स्कोर सो वेल। तो उन्होंने मतलब इसके बारे में ट्वीट भी किया है, मतलब फादर का जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे लियोना लिखा हुआ है, सेकंड नंबर का जो कैंडिडेट है उसका तो कोई ABCD के अंदर नाम है, मतलब BVCXZ ऐसे करके यहाँ पे सेकंड कैंडिडेट का नाम है। तो काफी इंटरेस्टिंग जो ये रिजल्ट आउट हुआ है कब वहां पे। अभी तक तो आपको मालूम है कि टॉपर जो 10th 12th के जो रिजल्ट थे बिहार में उसी के अंदर घपले हो रहे थे, लेकिन यार कम से कम PhD मतलब जो गवर्नमेंट एग्जाम है उनके अंदर तो नहीं होना चाहिए, तब उसके अंदर के अंदर भी घपले हो रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो सनी लियोन ने मेरिट मारी है यहाँ पे, बहुत ही दुनिया प्रिपरेशन कर रही है, बिन प्रिपरेशन के मेरिट मार दिया है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे अपन तेजस के बारे में बात करने वाले थे। यार तेजस को क्या है, अप्रूवल मिल गया, और दुनिया का सबसे लाइटेस्ट जो है ना ये फाइटर प्लेन बन गया है, फाइनल इसको अप्रूवल मिल गया। FOC एक होता है, FOC सर्टिफिकेशन मिलता है। ठीक है, तो FOC सर्टिफिकेशन मिलने के बाद में जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो तेजस जो है, जो अपने मालूम है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया, सिंगल इंजन मल्टी रोल लाइट फाइटर प्लेन है, जो कि डिजाइन किया गया एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा, और HAL के द्वारा इंडियन एयरफोर्स और नेवी इसको काम में लेती है। ठीक है, इसको अपन LCA कहते हैं। LCA होता है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ओके, तो 1980 के अंदर अपन ने MiG-21 फाइटर जो थे उनको रिप्लेस करने के लिए इसको स्टार्ट किया था और उसको नाम दिया गया तेजस नाम दिया गया। तो दुनिया का सबसे लाइट फाइटर प्लेन जो है ये फाइनली बन चुका है और बैटल के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, और 2015 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी तक इसके कई सारे सर्टिफिकेशन से गुजर रहा था ये और फाइनली जो है ये इसको इंक्लूड कर लिया गया है। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो कोई नियर बाय 2000 किलोमीटर के आसपास की है इसकी जो टॉप स्पीड होती है, और कॉस्ट जो आती है इसकी कोई 150 मतलब अगर जो अभी रिसेंट वाला जो है ना उसके तो 450 करोड़ तक की कॉस्ट आ रही है। जो MK-2 है इसकी कैटेगरी, एक तो MK-1 था और एक MK-1A है जो कि एडवांस है, तो उसके अंदर तो इसकी जो 450 के आसपास करोड़ तक के आसपास की इसकी कॉस्टिंग आ रही है। ठीक है, स्पीड की बात करें तो कोई 2200 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है, रेंज 3000 किलोमीटर तक की है। ओके, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। ध्यान रखिएगा दुनिया के सबसे लाइटेस्ट फाइटर प्लेन है जो कि तेजस बन चुका है। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पेज नंबर 13 की। पेज नंबर 13 की बात करें तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें यहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ पे कल्याणी ग्रुप और यहाँ पे बेलकॉन के बीच में एक MOU साइन हुआ है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो कल्याणी ग्रुप और साथ में बेलकॉन LLC दो बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने क्या किया है एक पार्टनरशिप के अंदर एंटर हुई है ये, जिसके अंदर हाई एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है और सर्विसेज है जो कि साथ में मिलकर बनाएगी डिफेंस एरोस्पेस टेक्निकल सेगमेंट इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों कंपनी साथ में मिलकर हेलीकॉप्टर के इंजन ट्रांसमिशन सिस्टम डिफेंस के लिए एरोस्पेस और साथ में कई सारे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो प्रोडक्ट्स है वो देश के अंदर बनाएगी। ओके, तो ये अगर आपसे पूछे कि भाई कौन से ग्रुप ने बेलकॉन LLC के साथ में काम कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सी कल्याणी ग्रुप है। ठीक है, और साथ में जो हेलीकॉप्टर के इंजन है वो भी ये मिलके बना रहे हैं, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। ओके, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, कल्याणी ग्रुप के बारे में तो आपको मालूम ही है, काफी फेमस कल्याणी ग्रुप है और काफी भारत की वन ऑफ द बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो ये चलाते हैं। तो बाबा कल्याणी है जो कि इसके चेयरमैन है और नियर बाय 10,000 एम्प्लॉय है जो कि इस कंपनी के अंदर काम करते हैं। इंडिया, जर्मनी, स्वीडन, कई विदेशों के अंदर भी ये कंपनी काम करती है। ठीक है, कई सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाती है, इंजीनियरिंग के और लोकोमोटिव के, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको लेकर ये काम करती है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा बाबा कल्याणी है जो कि इसके चेयरमैन है, प्राइवेट कंपनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो कि आपके पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर है। देखिए दोस्तों क्या हुआ है, आपको मालूम है मर्जर हो चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा का, देना बैंक का और साथ में विजया बैंक का, और ये इफेक्टिव कब से होगा, 1 अप्रैल से इफेक्टिव हो जाएगा। तो आपसे अगर बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कब से इफेक्टिव होने वाला है। ठीक है, और विजया बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है ये भी पता होना चाहिए, बैंगलोर के अंदर। और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो वडोदरा में, और देना बैंक का कहां पर है, देना बैंक का है मुंबई के अंदर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और 3 बैंक कौन कौन से हैं, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है LIC के पेपर में तो मेरे ख्याल से, और अभी जो है वो इसके अंदर भी आ गया है। ठीक है, वो अभी आने वाले एग्जाम के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। CEO की बात करें तो विजया बैंक के जो अभी CEO हैं वो है शंकर नारायण। ठीक है, शंकर नारायण है जो कि अभी इसके CEO हैं। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर मैं बात करूं तो इसके CEO जयशंकर है, PS जयशंकर है जो कि इसके अभी CEO हैं, और हेडक्वार्टर मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा देना बैंक की बात करूं तो श्री कर्णम शेखर, क्या नाम है, कर्णम शेखर, ये हैं अभी किसके, देना बैंक है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक को टक्कर देने के लिए ये जो है अमलगमेशन जो है वो किया गया है। चलते आगे की तरफ, नेक्स्ट बात करते हैं जो कि स्पोर्ट्स पेज से है। स्पोर्ट्स पेज की बात करें दोस्तों आज तो यहाँ पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है, एक छोटी सी। एक्चुअली क्या अंदर क्या हुआ है, ICC ने जो है वेडनेसडे को बैन कर दिया है UAE बेस्ड कोच को, इरफान अंसारी को। तो UAE बेस्ड एक कोच है UAE के, इरफान अंसारी UAE बेस्ड कोच है, उनको 10 साल के लिए बैन कर दिया है, और बिकॉज करप्ट प्रैक्टिस के अंदर वो इन्वॉल्व थे। पाकिस्तानी जो कैप्टन है सरफराज अहमद, उनको 2017 के अंदर जो है उन्होंने कुछ वो सब दी थी, क्या बोलते हैं, फिक्सिंग के लिए बोला था, तो उन्होंने रिपोर्ट कर दी। तो इस चीज को लेकर एंटी करप्शन जो ट्रिब्यूनल है उन्होंने गिल्टी माना है, 3 कोर्ट ने एंटी करप्शन कोर्ट के द्वारा उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। ठीक है, पाकिस्तान सीरीज थी श्रीलंका की टाइम पे यूएई के अंदर, उस टाइम पे अंसारी ने क्या है अप्रोच किया था उसको, तो इस वजह से जो इरफान अंसारी है इसको बैन कर दिया गया है 10 सालों के लिए। ठीक है, ध्यान रखना ये बात आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आईसीसी के बारे में आपको मालूम ही है, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है, दुबई के अंदर ही है। चेयरमैन शशांक मनोहर है, सीईओ डेव रिचर्डसन है, लेकिन कुछ टाइम बाद में कौन बनने वाले हैं, मनु सोनी बनने वाले हैं। मनु सोनी है जो कि इनका अपॉइंटमेंट हो चुका है, लेकिन अभी 2-3 महीने कार्यकाल बाकी है रिचर्डसन का, उसके बाद में फिर वो उनको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, आईसीसी जो है पहले के किसी टाइम पे उसको इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कहा जाता था 1909 के अंदर, जिसमें बड़े बड़े देश रिप्रेजेंट करते थे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। बाद में इसका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया 1965 के अंदर, 1965 के अंदर इसका नाम बदल के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया। ठीक है, ओके, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जो कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, कितनी को 20 फरवरी को मनाया जाता है। तो फर्स्ट पोस्ट की न्यूज है और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और उसकी थीम क्या है इस बार की, ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। थीम क्या है, इफ यू वांट पीस एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर सोशल जस्टिस। अगर आपको पीस चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको सोशल जस्टिस के लिए काम करना चाहिए। आईएलओ ने एस्टिमेट किया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, कि करंटली 2 बिलियन लोग हैं जो कि कंफ्लिक्ट अफेक्टेड सिचुएशन के अंदर रहते हैं। आप लोग और मैं अगर अपनी जनरल बात करें तो दोस्तों कितने ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं ऑलरेडी। किसी को लगता है कि मेरे पास जैगुआर नहीं है, किसी को लगता है मर्सिडीज नहीं, किसी को लगता है 800 नहीं है, मतलब। लेकिन ये सोचिए कि दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, उसमें से 2 बिलियन लोग तो ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे कंफ्लिक्ट आए दिन होता रहता है। अगर सोचिए कल को आप ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है, इराक, टर्की या फिर जो सीरिया, पाकिस्तान, ऐसे एरिया में रह रहे होते तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। आए दिन जो है रोड पे चल रहे हो और बम गिर गया, पता लगा थोड़ा सा दुकान पे गए और वहां पे साइड में मिसाइल गिर गई, तो समझ रहे हो तो कितने ज्यादा प्रिविलेज्ड है ऑलरेडी जो कि इंडिया के अंदर या फिर ऐसे देशों के अंदर जो पैदा हो रहे हैं या फिर ठीक है काम कर रहे हैं। तो 2 बिलियन लोग हैं जो कि कंफ्लिक्टेड अफेक्टेड, बहुत बड़ी बात है यार, मतलब दुनिया की 25% से ज्यादा पॉपुलेशन हो गई ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 20 फरवरी जो है क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो है इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट, आईएमपी मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड। कौन है अभी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, पीआईबी की न्यूज है। तो उन्होंने नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड है जो कि यहाँ पे पेश किया है। थीम क्या थी, थीम फॉर द प्रोफेशनल कैटेगरी वॉज वुमेन लेड डेवलपमेंट, थीम फॉर एमेच्योर कैटेगरी वॉज फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर जो है वो 13 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर अवार्ड जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। और लैंडस्केप फोटोग्राफर अशोक गिलवाली है, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी यहाँ पे नवाजा गया है, एक ये ध्यान रख लेना। और प्रोफेशनल कैटेगरी के अंदर शंत कुमार है, उनको दिया गया, गुरदीप को जो है वो एमेचर कैटेगरी में। तो ये 3 नाम है अगर आप, ठीक है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया का फर्स्ट फुल डॉम 3D डिजिटल थिएटर इनॉग्रेट किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का होता ही है। और कहाँ पे किया गया, ये मैंने कल भी क्वेश्चन दिया था आपको, बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर आज ये न्यूज कवर अप करी गई है। यूनियन कल्चर मिनिस्टर जो महेश शर्मा, उन्होंने इनॉग्रेट किया, कहाँ पे, कोलकाता के अंदर इसको इनॉग्रेट किया है, एट द साइंस सिटी, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इंडिया के अंदर। 23 मीटर, ठीक है, और डॉम शेप बनाया गया है और काफी जबरदस्त एक्सपीरियंस देने की यहाँ पे बातचीत करी गई है। ओके, चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, नेक्स्ट बात करते हैं जो कि इंटरनेशनल एनुअल डेजर्ट फेस्टिवल। डेजर्ट फेस्टिवल होता है हर साल कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर, ठीक है, काफी जबरदस्त होता है, काफी फॉरनर्स है जो कि यहाँ पे आते हैं डेजर्ट फेस्टिवल के लिए। 3 डे फेस्टिवल है जिसमें कल्चर हेरिटेज जो है वो दिखाया जाता है, कलरफुल चीजें हैं, प्रोसेशन है, ठीक है, गेट सीस आर, लेक फोर्ट है, वो सब यहाँ पे दिखाया जाता है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ में जो अपनी बीएसएफ है वो भी यहाँ पे कैमल टैटू शो है जो कि यहाँ पे दिखाती है ओपनिंग डे के ऊपर। साथ में नवीन पटनायक ने कालिया स्कॉलरशिप जो है वो, कालिया स्कॉलरशिप अनाउंस करिए किनके लिए, जो कालिया उसके अंदर स्कीम के अंदर जो इनरोल है ना उन सभी लोगों के लिए। उड़ीसा की स्कीम है, आपको मालूम है कालिया स्कीम, पेपर में आएगा ये सवाल आपके, ठीक है। कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, जो फार्मर इसके अंदर इंक्लूड है उनके बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने को लेकर नवीन पटनायक जी ने अनाउंसमेंट किया है, ठीक है, ओके। तो एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि बच्चों को दिया जाएगा जो बेनिफिशियरीज होंगे किसके, कालिया स्कीम के। तो और 13 प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेज सब्जेक्ट्स जो हैं और उनके अंदर उनको पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। फी, हॉस्टल, कोर्स की मील, जो मैथ्स फी है, सारे की सारी जो है इसके अंदर कवर करी जाएगी। तो कालिया स्कीम काफी बढ़िया चल रही है और काफी अच्छा इसको बताया जा रहा है। एरो इंडिया शो के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों, बैंगलोर के अंदर किया जा रहा है। कई सारे यहाँ पे सुखोई 30, राफेल, F-16 फाइटिंग फैल्कॉन, सुपर हॉर्नेट, MB-32, ठीक है, काफी सारी चीजें जो कि यहाँ पे शोकास करी जा रही है। नेक्स्ट है एंटबोट। एंटबोट क्या है दोस्तों? ये फर्स्ट वॉकिंग रोबोट है जो विथआउट जीपीएस काम कर रहा है। बड़ी बात है, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर इसके बारे में कवर किया गया एंटबोट के बारे में। देखिए एक्चुअली के अंदर क्या है कि साइंटिस्ट ने क्लेम किया है कि उन्होंने डेवलप किया फर्स्ट वॉकिंग रोबोट जो कि एक्सप्लोर कर सकता है एनवायरमेंट को और अपने घर में भी घर पहुंच सकता है विथआउट जीपीएस और मैपिंग। मतलब कोई भी रास्ता जो है वो विथआउट जीपीएस ही वो ट्रेस कर लेगा। ऑप्टिकल कंपास इसके अंदर लगाया गया है ताकि रास्ते पता कर सके और ऑप्टिकल मूवमेंट सेंसर डिटेक्टेड सन के हिसाब से वो क्या करेगा, डिस्टेंस को कवर करेगा। फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा इसको बनाया गया है, एंटबोट इसका नाम है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, बाकी तो आप ऑटोमेटिकली कर ही लेंगे, बाकी सब आपको याद रह जाएगा। आज देखते हैं दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं वियतनाम के, ठीक है। तो अपन अभी साउथ ईस्ट एशिया है जो कि अपन कवर कर रहे थे। सिंगापुर किया अपन ने एक दिन और मेरे ख्याल से म्यांमार किया अपन ने, 2-3 देशों को अपन ने कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, ब्रुनई को कवर किया है। तो आज अपन जो है वो वियतनाम को कवर करने वाले हैं। वियतनाम दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी जो बैटल है वो आपको मालूम है वियतनाम के अंदर ही हुई है, नॉर्थ और साउथ वियतनाम। किसी जमाने में किसी टाइम पे नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट किया रशिया, चाइना ने, और साउथ को किया किसने, जापान, यूएसए ने। और यूएसए को अपनी दुनिया, अपने जीवन की सबसे बड़ी जो लॉस है वो यहीं पे खानी पड़ी थी साउथ वियतनाम के अंदर। इस वॉर के अंदर नियर बाय 30-40 साल तक ये वॉर, 20-30 साल तक ये वॉर है जो कि चली है। तो ये थोड़ा सा एक्चुअल मैप है वियतनाम का, आप देख सकते हैं। अगर आपको साउथ ईस्ट एशियन याद करने ना तो आपके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि आप MTV से याद करो, M, T और V, ठीक है। सबसे पहले अगर आप इंडिया से जाओगे, जंप करोगे तो आप कहां पे जाओगे, म्यांमार के अंदर जाओगे। म्यांमार से जंप करोगे थाईलैंड में जाओगे, और यहां से जंप करोगे तो वियतनाम में जाओगे। इसके ऊपर नीचे के देश याद कर सकते हो, नीचे की तरफ है कंबोडिया, ऊपर की तरफ है लायोस, ठीक है। ये पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया का मैप है वो आपको याद होना चाहिए, कौन सा देश कहां पर है, ये पूरा का पूरा कौन सा देश कहां पर है और उसकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए आपकी नॉलेज के लिए और आपके एग्जाम के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंडिया से जाओगे म्यांमार, म्यांमार से जाओगे थाईलैंड, MTV, फिर थोड़ा सा जम करके जाओगे वियतनाम, नीचे की तरफ मिलेगा कंबोडिया, ऊपर की तरफ लायोस, नीचे की तरफ मलेशिया, ये दोनों, यहाँ पे सिंगापुर हो गया, ये छोटा देश ब्रुनई हो गया, ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया हो गया, ठीक है। और फिर अपना ये, और नीचे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओके, इस तरीके से बाकी सब हो गए, ठीक है। तो ये सब आपको इस तरीके से याद करना है। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट है डाक के अंदर, ये पूरा वियतनाम है। कैपिटल क्या है, हनोई इसकी कैपिटल है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो उसकी करेंसी है वो क्या है, वियतनाम डोंग है। यहाँ पे डोंग जो है, मैंने आपको बोला था कि अगर आपको घूमना है, पैसे कम है और अगर घूमने में बड़े इंटरेस्टेड हो तो आप वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है, ऐसे देश जा सकते हो जो कि काफी सस्ते पड़ते हैं। थाईलैंड भी ठीक है, ओके, ये सारे देश काफी, साउथ ईस्ट एशियन नेशन काफी सस्ते हैं। अगर अपना 1 रुपया जो है वो यहाँ के 324 डोंग के बराबर है। मतलब अपना 1 रुपया अगर आप फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये लेके जाते हो, ठीक है, तो 3.5 लाख जो है वहां पे 3.25 लाख डोंग हो जाते हैं वहां की करेंसी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3.25 लाख रुपए में वहां पे दुनिया भर आप पूरा 1 साल निकाल दोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जितने में आप इंडिया घूमोगे उतने में आप वियतनाम आसानी से घूम सकते हो। आपको वहां पे बॉटल की जो प्राइस है वो भी आपको वहां पे 1000 डोंग की मिलेगी, जो कि अपने 10 रुपए के बराबर या जो भी है 3, ठीक है, उसके बराबर हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आपको एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज बहुत सस्ता पड़ता है। कैपिटल हनोई, ऑफिशियल लैंग्वेज वियतनामीज, प्रेसिडेंट यहाँ पे ट्रोंग है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे जुआन है, करेंसी मैंने आपको बताई डोंग, एम्बलम है कोट ऑफ आर्म्स, नेशनल फ्लावर है रेड लोटस, ये देखिए, ठीक है, ये कोट ऑफ आर्म्स है जो कि इनका नेशनल एम्बलम है। बाउंड्री की बात करें तो मैंने आपको बताई दिया, चाइना से लायोस, कंबोडिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब से ये कनेक्टेड है, ठीक है, साउथ चाइना सी, इन सब से। तो एक बच्चे ने कल मेरे को बोला था कमेंट के अंदर कि सर थोड़ा सा इमेजेस दिखा दिया करो, इमेजेस से थोड़ा सा रियल रिप्रेजेंटेशन में मजा आता है। तो वही आज चीज करी गई है, कोशिश करी गई है, आपको जितना चीजें पिक्चराइजेशन करके देने की कोशिश करी गई है, ठीक है। तो वियतनाम लोकेटेड है ईस्टर्न इंडो चाइनीज पेनिनसुला के अंदर और हिली और डेंसली फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। अगर लेवल लैंड की बात करो तो 20% ज्यादा लेवल लैंड ही नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो कुल मिला के अपना हिमाचल उत्तराखंड जैसा ही पूरा देश ही। फ्लैग जो है उसके अंदर गोल्डन स्टार है जो कि 5 पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और ये 5 जो है ये फार्मर, वर्कर, इंटेलेक्चुअल, यूथ और सोल्जर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और रेड जो कलर है आपको मालूम है पूरी दुनिया में रेड किस लिए है, ट्रिब्यूट दिया जाता है जिन लोगों ने वॉर के अंदर अपनी सेना के लिए जान गंवाई है, ठीक है। साइकोलॉजिकली एक ये भी होता है कि जिन देशों का रेड होता है फ्लैग के अंदर वो थोड़े से डेंजरस होते हैं, मतलब ये साइकोलॉजिकल है कि रेड जो है वो इसलिए रखते हैं। ओके, 2007 के सर्वे के हिसाब से 81% जो वियतनामीज है ना वो ना तो भगवान में बिलीव रखते हैं और ना ही किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, मतलब बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट। ठीक है, जियो जीने दो मस्त रहो, 81% बहुत बड़ी बात है। लार्जेस्ट केव यहाँ की सोंगडोंग है, पेपर में पूछते हैं कहां पर है सोंगडोंग केव। इसके अलावा हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो फैंस पैन नाम से जगह है जो कि यहाँ के हाईएस्ट पॉइंट है। वियतनाम का लॉन्ग बे है जो कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड नेचर के अंदर आता है। वियतनाम वॉर यूएस की सबसे ज्यादा ठीक है खराब वॉर थी और 54 से ये देखिए 74 नियर बाय 20 साल जो है इस वॉर के अंदर निकल गए और बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। इसके अलावा जापान ने आपको मैंने आपको बताया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में पूरा साउथ ईस्ट एशिया कवर कर लिया था। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का दुनिया के अंदर, एक्सपोर्ट काफी करता है, ब्लैक पेपर दुनिया में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी का आफ्टर द ब्राजील। 37% जो वर्ल्ड का कैश्यू है वो वियतनाम से आता है, जो काजू है ना वो वहीं से आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक राहो रेन करके नाम से एक वाइन चलती है यहाँ पे, राहो रेन वो स्नेक वाइन के नाम से फेमस है क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे स्नेक जो है ना देख रहे हो आप यहाँ पे स्नेक डाले जाते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट स्नेक इसके अंदर डाले जाते हैं। ठीक है, और स्नेक वाइन के नाम से फेमस है और काफी इसको यहाँ पे यूज करी जाती है, बोलते हैं हेल्थ के लिए, वाइटलिटी के लिए, रिस्टोरेशन के लिए काफी अच्छी होती है। ठीक है, पता लगा कोई अपने जैसे इंडियन पीके वहां पे लुढ़क गया कोई। ठीक है, तो यहाँ पे ये काफी फेमस है, यहाँ पे इसका नाम क्या है ठीक है राव रेन रन इसको कहते हैं। तो कभी वियतनाम जाओ तो ट्राई कर लेना, लेकिन पहले अच्छी तरीके से पता करके करना। ओके, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं जो कि आज का अपना फन फैक्ट। फन फैक्ट के अंदर बात करने वाले दोस्तों बैटल ऑफ लोंगेवाला की, हरदीप सिंह पुरी की। बैटल ऑफ लोंगेवाला की बात करें तो फेमस बॉलीवुड मूवी आपको मालूम है बॉर्डर। ठीक है, अभी आपको मालूम है कि कुछ टाइम पहले जो सनी देओल का जिनका रोल निभाया था उनका निर्धन भी हुआ था, है ना। तो बॉलीवुड मूवी जो बॉर्डर है वो रियल सिप्पी जी की, जो जेपी सिप्पी जी की जो बनाई गई थी वो रियल बेस्ड मूवी है, रियलिटी के ऊपर है। बैटल ऑफ लोंगेवाला जो है उसके ऊपर बनाई गई थी, जो कि भारत ने 1971 के अंदर दिसंबर में लड़ाई लड़ी थी। लोंगेवाला पोस्ट है अपने जैसलमेर बॉर्डर पे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। भारत के पास मात्र 120 सोल्जर थे, एक जीप थी M40 रिकॉलियर्स के साथ में, राइफल्स के साथ में, और 2000 पाकिस्तानी सोल्जर के साथ में जिनके पास 45 टैंक थे, एक मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड थी, इनके साथ में लड़ाई करी थी। और इतने ज्यादा आउट नंबर्ड होने के बाद में भी, यानी कि 20:1 होने के बाद में भी जो है ना ठीक है इंडियन सोल्जर्स ने बहुत ही ब्रेवरी से लड़े और सिर्फ मात्र 2 कैजुअलिटीज है जो कि उस टाइम पे हुई थी भारतीय आर्मी की तरफ से, आर्मी की साइड। और अगर उस साइड बात करो तो नियर बाय 1000 से 1200 जो है कैजुअलिटी हुई थी। सारे टैंक वांगे वो सब उड़ा दिए गए थे। सुबह के टाइम पे आपको मालूम है एयरफोर्स ने भी आके हेल्प करी थी और कंप्लीटली जो है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस टाइम पे भारत के पास में एयरफोर्स में ऐसे फाइटर प्लेन नहीं होते थे कि वो रात को भी उड़ सके, तो इसलिए सुबह का वेट करना पड़ता था। देखा होगा आपने मूवी के अंदर जैकी श्रॉफ वाला जो रोल था। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का फन फैक्ट और ये था आज का आपका सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपने एंजॉय किया होगा, काफी सीखा होगा हमेशा की तरह, और रेगुलर देखा करो यार, आपकी नॉलेज जो है वो आसमान छू जाएगी काफी टाइम कुछ टाइम के अंदर। ठीक है, इसके अलावा शेयर किया करो जितना हो सके ताकि देश के सभी युवा, सभी जो लोग हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सभी लोग अपने अच्छी नॉलेज को इंक्रीज कर सके। और आधा घंटा न्यूज़पेपर के अंदर मर्डर क्राइम पढ़ने से बढ़िया है कि आप जो वर्थ इट न्यूज है उसके बारे में जाने। चलिए, जाने से पहले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको देखे जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप इसका बिल्कुल सही आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस सेलिब्रेट किया जाता है किस डेट को? इंडिया के फर्स्ट फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर इनॉग्रेट किया गया कौन सी सिटी के अंदर? नेक्स्ट बात करते हैं, द 40th इंटरनेशनल एनुअल डेजर्ट फेस्टिवल जो है वो कौन सी सिटी के अंदर स्टार्ट किया गया है? 12th एडिशन ऑफ एशिया प्रीमियर एयर शो एरो इंडिया 2019 इसकी शुरुआत जो है वो कौन से एयरफोर्स स्टेशन के अंदर करी गई है? आगे देखते हैं, पूर्व अंतरिम राष्ट्रपति और पूर्व अफगान मुजाहिदीन कमांडर का 93 वर्ष की आयु में निर्धन हो गया, वह कौन थे? फॉर्मर अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट। प्रोफेशनल फोटोग्राफिंग अवार्ड आपको बताना है किसको मिला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनी साइन ए डील ऑफ यूएसडी 1.5 बिलियन टू बाय यूएस क्रूड ऑयल? ये मैंने कल परसों बताया था आपको। Who is the author of the banned Punjabi poem Khuni Vaisakhi on the Jallianwala Bagh massacre to be published in English after 99 years? न्यू माइक्रो इंश्योरेंस प्लान माइक्रो बजट जो है ये किस कंपनी के द्वारा लॉन्च करी गई? पैन इंडिया जो नंबर 112 वुमेन सेफ्टी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आप अपने अच्छी प्रिपरेशन के लिए वाईफाई स्टडी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और ऐप के अंदर आपको काफी कुछ चीजें हैं जो कि आपको सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वाईफाई स्टडी कूपन को वाईफाई स्टडी यूज करेंगे तो आपको 10% इसके अंदर ऑफ भी मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय। 5 मिनट के अंदर आपकी वोकैबुलरी क्लास भी स्टार्ट हो रही है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।